अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो मैं वेलकम करती हूं आपको आज से फिर एक न्यू व्लॉग में। आज आपको लग रहा होगा कि मैं व्लॉग ऐसे क्यों स्टार्ट कर रही हूं। आज आपको कैमरे में मैं नजर आ रही होंगी, बिल्कुल तैयार हुई भी, तो आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आज क्या है। तो बताती हूँ आपको, दिस इज माई बर्थडे। तो घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन किया और जी मेरी ये तैयारी थी। और ये ड्रेस किसने दिया है मुझे, व्लॉग में आगे चल के देखिएगा, तो व्लॉग में आपको मज़ा आएगा, इसलिए कह रही हूँ व्लॉग शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। दिन की शुरुआत हुई तहज्जुद से, क्योंकि अपने अच्छे खुशी के वक्त में अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, सुबह हुई, मैं उठी और टेरेस पर चली गई मॉर्निंग व्यू के लिए, और मुझे सूरज को देखना था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसी फीलिंग है कि आज का सूरज अलग होगा, आज का मौसम अलग होगा, आज की फीलिंग्स जज्बात अलग होंगे। दिल में यही उम्मीद रखे हुए कि मेरी जिंदगी का ये नया साल मेरे लिए बहुत अच्छा हो, गुजरे वक्त जैसा ना हो। और मैं नीचे उतर आई गार्गल्स करने। जी बिल्कुल, क्योंकि एक रात पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी और मैंने रात में और मॉर्निंग में भी मुझे गार्गल्स करने पड़े, गला बंद। अच्छा, तो मुझे सुबह में जाना है अभी अपनी जॉब पर, तो मैंने अपने कपड़े प्रेस निकलवा लिए थे बहुत सोचने के बाद। सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना वेयर दिस ब्लू ड्रेस। ब्लू इज माई लकी कलर अकॉर्डिंग टू माई जोडियक साइन, तो ऑल द शेड्स ऑफ ब्लू मैं उनको प्रेफर करती हूँ। कोई भी अच्छा दिन हो लाइफ में तो मेरा बस यही होता है कि मैं ब्लू शर्ट पहनूं। अच्छा, तो यहाँ मॉर्निंग में टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। मैं यहाँ जॉब के लिए रेडी भी हो रही हूँ और व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज फीलिंग गुड, आई वॉज फीलिंग हैप्पी हैप्पी। तबीयत मेरी खराब थी, बट आई डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट माई बर्थडे। अच्छा, और यहाँ पे मैंने अम्मी से गोल्ड रिंग उधार ली अम्मी की, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बस मैंने आज ही अभी पहन ली। अच्छा, इसके बाद अब हम सिंपल सा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके लिए एक बॉयल एग, एक एप्पल और मिल्क पैक। ठीक है, मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि एप्पल मैंने कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ का उठा लिया है, मतलब इसके आगे तो मेरी हथेली भी छोटी पड़ गई थी। अच्छा, तो ये सब वाइंड अप करने के बाद हम अपनी जॉब पे चले गए धीरे धीरे। अच्छा, तो बाहर जाके मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, तो बस जैसे ही ऑफ हुआ मैं तो फटाफट घर भागी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी फ्लू वाली सख्त हो चुकी थी, तो मैं घर आ गई फटाफट। ये तुम्हारा गिफ्ट है, मेरा गिफ्ट। ओके, व्हेन आई रिटर्न बैक टू माय होम, माय मदर गिफ्टेड मी दिस ड्रेस फ्रॉम एथनिक, और मैंने इससे पहले कभी ये शर्ट नहीं पहना था, तो इंडिगो कलर है, तो सोच रही थी कैसा लगेगा, बट मैं सरप्राइजिंगली बहुत खुश हूँ। घर आके मेरी पागलों वाली हालत हो गई थी छींके मार मार के, तो बर्थडे का दिन अलग नहीं होता दूसरे दिनों से, एक पेन किलर तो दूसरी एंटी एलर्जी, ये खाई और फिर मैं सो गई। फिर मैं शाम को उठी हूँ और मैं किचन में आई हूँ। व्हाट आई फाउंड, यहाँ अम्मी ने चने बॉयल करके रख लिए, तो यहाँ चना चाट की तैयारी हो रही है। दूध बॉयल हो गया है यहाँ पे, दूध तो मुझे लग रहा है बॉयल होके गिर भी गया नीचे, तो यहाँ बिरयानी हो रही है, और उसके बाद यहाँ पे ट्राइफल बन रहा है। ट्राइफल हमारा बिल्कुल ऑन स्पॉट शाम 5 बजे डिसाइड हुआ, ये हमारे मेन्यू में इंक्लूड नहीं था, अगर होता तो एक रात पहले ही हम बना के रख लेते, क्योंकि मीठा हम एक रात पहले ही बना के रखते हैं, तो इसको चिल होने का भी टाइम नहीं मिला, फटाफट जब बनाया भागम दौड़ी में। मैं यहाँ जाली बना रही हूँ। अब 3-4 इलायची के दाने मैंने डाल दिए दूध में, जिसमें हमने कस्टर्ड बनाना है, एंड माय मदर वाज डांटिंग मी कि तुम क्या कर रही हो, इलायची तुमने खोली भी नहीं और डायरेक्ट ऐसे डाल दिए। तो आई सेड क्या होता है, अभी डाली है ना इलायची, भले खुली डालो बंद डालो। तो जैली में यहाँ बबल्स आ चुके हैं, अब इसको मैंने कूल होने के लिए फ्रिज में रख दिया, और अम्मी ने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी में कस्टर्ड डाला और साथ में चीनी भी डाली थी, ना मुझे उसकी क्वांटिटी का पता है चीनी का, बब हसबे जायका अपने हिसाब का डाला है, और कस्टर्ड की क्वांटिटी का भी मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे 1 किलो के करीब चने हैं, वो बॉईल करके रख दिए, भिगो के एक रात पहले रखे थे बॉईल कर दिए, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टोमेटो डाले, 1 प्याज डाला और 3 से 4 ग्रीन चिली डाली, और बस मैंने इसको मिक्स किया। अम्मी जो है वो आलू छील रही हैं चाट के, मैंने फटाफट यहाँ पे फ्रूट्स कट किए और मैंने उसको जो ट्राइफल बनाना है उसमें मिक्स कर दिए। तो बस ये छोटी छोटी हेल्प थी जो मैं अम्मी की करी थी, क्योंकि मैंने बेसिकली कोई बड़ा काम नहीं किया था यहाँ पे, मैंने बोल लिया फटाफट, इसमें ट्राइफल सर्व किया, जल्दी जल्दी मैं काम को मैंने निपटाया है, क्योंकि मुझे इसमें के बाद रेडी भी होना था। नॉर्मली अगर इंसान कुकिंग कर रहा है या रेडी हो रहा है तो वो काम इंसान कर लेता है, लेकिन जब दिमाग में होकर हर चीज़ रिकॉर्ड करनी है व्लॉग के लिए ना, तो वो जो चीज़
एक आधे घंटे में होनी होती है ना, वो वही चीज आपका ना 2 घंटे ले लेती है। तो यहाँ पे जेली के मैंने कट्स लगाए और मैं अब इसकी शेप्स लगाना चाह रही थी, लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ी हो गई क्योंकि इसको ज़्यादा फ्रिज में चिल होने का टाइम नहीं मिला था। मैंने जैसे इसकी साइड चेंज की तो ये बिल्कुल टूटी फूटी निकली, तो बस फिर ये जैसे भी निकली रैंडमली बस हमने ऐसे ही ट्राइफल पर रखी क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, कर ही नहीं सकते थे कुछ, और घर वालों ने खानी थी तो मैंने कहा चलो बस खैर अब फटाफट जैसा हो रहा है करते जाओ। खौफ आ रहा था मुझे सच में ये देख के कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मुझे दुख हो रहा था कि मैं तो नॉर्मली इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ, इतने अच्छे ट्राइफल, और जब मेरी बर्थडे तो भाई ऐसा आम सी चीज़ ये बन रही है। और हमेशा हर चीज़ हर काम के लिए परफेक्ट नहीं होती, अगर हमेशा परफेक्ट हो तो वो तो स्क्रिप्टेड व्लॉग हो जाता है, तो मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ। यहाँ मेरा केक आ चुका है, ये कस्टमाइज्ड केक था, बस मैंने बस एक नज़र इसको देखा है और उसके बाद चाट जो है उसका चाट मसाला बस मैंने वो मंगवाया था क्योंकि ये भी ख़त्म हो गया था, और बस मैंने इसके ऊपर ज़रा डाला है चाट मसाला, और इसमें नमक वगैरह हमने सच में नहीं डाला। इसमें ग्रीन चिली डाली है, इमली का पल्प डाला है और चाट मसाला, और इस चाट मसाला से ही इसमें ना नमक जो नमकीलापन है वो चाट का मज़े वाला जो यमी वाला टेस्ट है वो आ गया था। अच्छा जो मैंने प्लेटर निकाला है यहाँ पे डिश आउट करने के लिए, मैंने पूरा प्रेशर कुकर देखे ऊपर उंडेल दिया, मतलब मुझसे संभाला नहीं जा रहा था, इतना बड़ा प्रेशर कुकर, हाथ में मोबाइल है, शीशे का बर्तन है, टूट ना जाए या बनाया हुआ खाना नीचे ना गिर जाए, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ये क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम कम था और मेहमान आने वाले थे। सो आई एम द बर्थडे गर्ल और मेरे लिए यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं। हाँ यहाँ पे स्ट्रिप्स आ चुकी हैं और यहाँ पे हैप्पी हैप्पी लग गया है, बाकी बाद में लगेगा। तो मैंने रेडी होने से पहले टेबल को खुद ही चेकआउट किया और मैंने क्रॉकरी कटलरी ग्लास वगैरह सब यहाँ पे लाके खुद रख दिए थे क्योंकि बाद में भी ना मुझे भागना पड़ता है, तो मुझे इतना प्रोटोकॉल तो मिलना नहीं था। बस ये कैंडल्स भी यहीं पर रख दी थी, अभी इसके बाद मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। अच्छा मेरा ड्रेस प्रेस आउट हो चुका है और मैंने इसके लिए ज्वेलरी निकाल रही है, अपना ये एंटीक वाला हाथ का बैंगल मैचिंग का, मुझे पैदाइशी बचपन से शौक है, तो आई गॉट द मैचिंग इयररिंग्स एंड दिस इज गोइंग टू लुक कूल विद दिस ड्रेस। और मैंने यहाँ पे अपनी जो मेकअप वाला सामान है सारा निकाल लिया, हील्स निकाल लिए और मैं यहाँ फटाफट रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं थोड़ा अपना मेकअप करूंगी, तो मैंने भाग भाग के ऐसे ही फटाफट ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा एज अ फन पार्ट मैंने ऐड कर दी कैसे मैं रेडी हुई थी जल्दी जल्दी, बिकॉज आज से पहले कभी मैंने ऐसी चीजें शूट नहीं की। अच्छा ये हेयर कॉम वाला पार्ट सबसे टफ होता है, तो मैं सोच रही हूँ मैं अपना हेयर कट करवा लूँ दोबारा से क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी अपना हेयर कट करवाती हूँ, और मेरे छोटे बाल थे अभी 3 महीने पहले ईद पर और अभी इतने माशाल्लाह बड़े हो गए। सो अब इयररिंग्स पहन रही हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था ऐसे वीडियो बनाने में। चले मैं हो गई हूँ तैयार, अब चले किचन में देखते हैं। अम्मी ने बिरयानी बना ली और बिरयानी की मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो अम्मी ने चिकन बिरयानी बनाई है और मैं बस अभी यहाँ पे अम्मी ने दम उठा दिया है, अब अम्मी इसको थोड़ा मिक्स करेंगी। यहाँ पे मैंने अम्मी को भेज दिया था कि आप किचन में शाम से लगी हैं, अब आप छोड़ दें, आप जाएं अच्छे से रेडी होकर आएं। तो यहाँ पे आके मैंने बाकी चीज़ें तो पहुँचा दी हैं टेबल पे, और यहाँ पे मैं बिरयानी को डिश आउट कर रही हूँ फटाफट। अच्छा यहाँ पे हरा धनिया पुदीने का रायता बन चुका है और इसमें अभी बाद में टमाटर प्याज और खीरा वगैरह ऐड होगा। अच्छा दोस्तों एक फिर मोए मोए हुई इतनी बुरी आज हमारे साथ, हमने जो समोसे मंगवाए थे सारे के सारे समोसे शहीद हो गए। जब समोसे मंगवाए बाहर से तो वो ला के रख दिए साइड पे, किसी का ध्यान नहीं गया, वो 5-6 बजे के आए हुए और हम लोगों ने 8:30 बजे जब खोले, उस दुकान वाले पे सच में इतना गुस्सा आ रहा था, इतनी बेईमानी की उसने हमसे, वरना समोसे इतनी जल्दी तो सौगी नहीं होते। तो फिर हमने सोचा अब अल्लाह का रिजक है, पैसे लगाए वेस्ट तो करना नहीं है, तो चाट पर डाल के पापड़ी बना के खा लेंगे। सो द बर्थडे गर्ल इज रेडी एंड केक इज रेडी। अच्छा अब यहाँ हम तैयार होके बैठ गए, कुछ ही चीजें टेबल पे आ चुकी हैं और बिरयानी अभी रखी जा रही है और आधे लोग आ चुके हैं, आधे लोगों ने अभी आना है, तो यहाँ पे अब बर्थडे सेलिब्रेट होने वाली है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं, पीछे देख चुके हैं, तो आप आगे और भी देख लें सेलिब्रेशन पार्ट वाला। और ये चाट ये फ्रिज में ठंडी होने के लिए रखी थी।
ओके, लेट मी टेल यू अबाउट द बेस्ट पार्ट, द बर्थडे केक. मैंने ये डिज़ाइन पिंटरेस्ट से देखा था एंड इट वाज शॉकिंग पिंक मैजेंटा टाइप ऑफ कलर. लेकिन उनके पास ये कलर अवेलेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बना के भेजा एज इट इज़ डिज़ाइन मुझे पसंद आया. अच्छा लगा, कलर चैलेंज नहीं मैच हुआ. बहुत अच्छा केक था, मुझे बहुत पसंद आया. चेरीज जिस तरह से उन्होंने डेकोरेट किया था. अच्छा, बर्थडे सेलिब्रेट होने वाली है और बैकग्राउंड में आपको अजीबोगरीब आवाज़ें आएँ तो आप समझ जाइएगा कि हम घर वालों के साथ बैठे हुए. अच्छा जी, तो ये बर्थडे हो गई है. ये था मेरा आज का दिन जो मैंने आपसे शेयर किया. और यहाँ पे पिक्चर्स पे इधर उधर बातें चल रही हैं कि ऐसे लो पिक्चर्स, वैसे लो पिक्चर्स. सो इट वाज अ गुड 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 डे स्पेंट माशाल्लाह, थैंक्स टू माय मॉमी एंड माय फैमिली. अच्छा, मैंने दोपहर की मेडिसिंस ली हुई थी, लेकिन तब तक असर मेरा खत्म हो गया था. मेरा इतना दिमाग घूम गया था बर्थडे की प्रिपरेशन और सेलिब्रेशन में. छींके मारते हुए ना मेरा सर घूम रहा था सारा, मतलब इतनी मेरी बुरी हालत हो चुकी थी. दोस्तों ये देख लो, अभी ये बर्थडे समाप्त हो चुकी है और यहाँ पे बचा हुआ सामान है जो उठाने की हिम्मत नहीं है. वो स्ट्रिप्स भी अभी लटक के गिरने वाली हैं, कुशंस भी, और मेहमान आए हैं खा के चले गए और अब हमसे बर्तन उठाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है. और वहाँ हमारे पैरट्स वो पड़े हुए हैं, वो हमारे पैरट्स भी साथ में पड़े, हम इनको साथ रखे. अच्छा, एंड में थोड़ी सी एक क्रॉकरी संभाल रही हूँ मैं, बाकी बाद में देखेंगे. और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपनी दुआओं में याद रखना. नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी. अल्लाह हाफिज़.